सर किस बात को लेकर के ये कार्रवाई ध्वस्तीकरण की हो रही है, क्या वजह है? सरकार के निर्देश के अनुरूप, उसके मंशा के अनुरूप जो कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं उसी क्रम में ये आज की भी कार्रवाई की जा रही है। ये बिल्डिंग विजय मिश्रा की है और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसमें चल रहा था और ये उनकी मिसेज जो रामकली जी हैं वो भी विधान परिषद सदस्य हैं, उनके बिल्डिंग है उनके नाम से, उनकी मदर के नाम से है और परचेज करते हुए है, इसको खरीदते हुए इनके द्वारा आवासीय माचिस स्वीकृत कराया गया है और उसके विपरीत कमर्शियल निर्माण कर लिया गया है, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग जो है अवैध है। इसके विरुद्ध जो है प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाइयाँ की गई और जब इनको ध्वस्तीकरण के लिए जब तिथि निर्धारित की गई तो इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपना रिट दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनको समय डेढ़ महीने का समय, लगभग 6 हफ्ते का समय इनको दिया गया और जिसके अंदर इनको इसको आवासी में कन्वर्ट करके और जो अवैध भाग है उसको स्वतः गिरा देना था, इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आज जो लगभग चार महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और इसमें मात्र आप जैसा देख रहे हैं कि मात्र 10% से भी ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो इससे मंशा जाहिर होती है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी सम्मान नहीं किया गया है इनके द्वारा और काम भी पूरा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण द्वारा स्वतः इस बिल्डिंग को गिराए जाने का निर्णय लिया गया और इसके हर्जे खर्चे की वसूली भी इनसे की जाएगी। कोर्ट से तो स्टे ले लिया था इन्होंने? कोर्ट से स्टे नहीं लिया था, कोर्ट से स्टे समय के एक निर्धारित समय तक के लिए था कि जो इनको 6 हफ्ते के अंदर निर्माण को मानचित्र के अनुरूप बनाते हुए और अवैध निर्माण को तोड़ लेना था, वो इनके द्वारा नहीं किया गया, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की बात कहाँ रह गई, उसका सम्मान भी तो नहीं किया इन्होंने। ऐसी स्थिति में गिराया जा रहा है, पूरी बिल्डिंग गिराई जाएगी क्योंकि इसमें आवासीय मानचित्र स्वीकृत है और आवासी के नाम पे कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं पूरा दुकानें बनी हुई है और अभी भी कई शटर जो है अभी बंद हैं, खाली है, फिलहाल खाली है लेकिन शटर भी लगे हुए हैं और इसको भी आवासी में इनको कन्वर्ट करके खुद अवैध भाग जो बचता उसको हटा लेना चाहिए था, तो यह स्थिति उत्पन्न होती। धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? मैं आलोक कुमार पांडे, विशेष कार्याधिकारी प्रयागराज विकास प्राधिकरण।